अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मेथी मलाई मटर की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही यमी लगती है खाने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी लिया है और 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिया था। हमने इसे पील करके पीसेस में अलग अलग कर लिया है और अदरक हमने ऐड किया है, रफली हमने चॉप किया है। 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून हमने गार्लिक भी लिया है और 1 टीस्पून हमने हरी मिर्च भी लिया है और हम इसे भी पानी में डाल देंगे और हम इसे तब तक के कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए और प्याज काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए बल्कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, बल्कि इतना हमें इसे कुक करना है ताकि हम इसका अच्छे से हम फाइन पेस्ट बना सकें। तो अब हम इसे अच्छे से कुक होने के लिए करीब 7 से 8 मिनट तक रख देते हैं। तो देखिए अब ये काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है और ये देखिए अनियन भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। और अब हम इसका पानी स्टिर कर लेंगे और फिर हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और जो इसका पानी है हम इसका यूज़ नहीं करेंगे सब्ज़ी में। और हमने यहाँ पर दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और शाही ज़ीरा। और यहाँ पर हमने फाइन पेस्ट बना लिया है जो हमने प्याज को कुक किया था और साथ ही हम दही भी ऐड करेंगे। दही हमने 2 टेबल स्पून लिया है और हमने इसे अच्छे से बीट कर लिया है और हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और साथ ही हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट अकॉर्डिंग रखिएगा। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का रॉ स्मेल बिल्कुल ना रहे। जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुनेगा तो हम दूसरे साइड हमने पैन चढ़ा दिया है और हमने 1 टेबल स्पून बटर लिया है। हम इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे और ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हमने लिया है, बारीक चॉप कर लिया था, और इसे हम बटर से अच्छे से सौते करेंगे ताकि इसका फ्लेवर खूब अच्छे से सेट हो जाए और रॉ स्मेल बिल्कुल भी ना रहे। और साथ ही हम मटर भी ऐड कर देंगे। मटर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको सब्जी में ज़रूरत लगे और इसे हम अच्छे से कुक करेंगे ताकि मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ही हेल्दी और क्विक रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आप सीजनल में बना रही हैं तो आप मेथी फ्रेश ले लीजिएगा, वरना फिर आप सूखी हुई भी मेथी यूज़ कर सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्रेश लेना है या फिर ड्राई। और अगर आप सीजनल में नहीं बना रही हैं तो आप ड्राई का यूज़ कर सकती हैं। अब ये काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है और मसाले भी काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। मेथी और मटर हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। 10 से 12 हमने काजू लिए थे, हमने इसका भी फाइन पेस्ट बना लिया है, हम इसे भी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हमने उसी मसालों का यूज़ किया है जो रेगुलर किचन में यूज़ होता है। अब हमने सारे मसालों को और काजू पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
वैसे तो मेथी मलाई मटर काफ़ी अलग तरीके से भी बनती है, कोई रेड ग्रेवी का बनाता है, कोई वाइट, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है बनाने का, सबका अलग अलग डिफरेंट टेस्ट भी होता है। लेकिन आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, हम करीब से 1 से 2 मिनट तक हम कुक करेंगे इसे अच्छे से, क्योंकि हमने काजू का पेस्ट ऐड किया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं, बस आपको अगर थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप पानी अपने डाल सकती हैं जितना आपको ऐड करना है। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम मलाई भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने लिया है फ्रेश क्रीम लिया है, और इसे हम अच्छे से स्टिर कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अगर हमारी आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हम डिश आउट भी कर लेंगे हम। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारी मलाई मेथी बनकर तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।